हेलो माई डियर यंग व्यूवर्स एंड माई डियर फ्रेंड्स यू आर मोस्ट वेलकम इन नाया थाट्स इन इंग्लिश एंड माई सेल्फ रेनू आपके फ्रेंड गाइड एंड आपकी फिलोसोफर और क्लास नाइन्थ इंग्लिश मोमेंट्स चैप्टर नंबर वन द लॉस्ट चाइल्ड रिटर्न बाय मुल्क राजानंद हम एग्जामिनेशन स्टाइल की आर टी सी कहें आप चाहे आर होती है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट और uh, कि हमें रेफरेंस दिए होते हैं उसके कॉन्टेक्स्ट उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं तो और एग्ज़ामिनेशन स्टाइल कॉम्प्रीहशन टाइप हम आप जब अपना फ़ाइनल नाइन्थ का क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो एट्थ क्लास के स्टूडेंट्स जब आप नाइन्थ का देखेंगे क्वेश्चन पेपर फाइनल का उठाकर तो उसमें जो इसी टाइप के कॉम्प्रीहेंशन बुक में से आए हुए हैं बिल्कुल सेम अगर आप उसको देखेंगे तो बिल्कुल सेम उसी टाइप के कॉम्प्रिहेंशन मैंने यहाँ पर आपके सामने रखे हैं बट बिफ़ोर मूविंग फॉरवर्ड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर करना बिल्कुल मत भूलिए और कमेंट जरूर कीजिएगा और आपका इस तरीके से लेसन नंबर वन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर हो जाएगा क्योंकि इसी टाइप का कॉम्प्रिहेंशन एग्जाम में आता है तो मैंने चैप्टर वाइज जो है वो आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल द लॉस चाइल्ड के मैं कर रही हूँ उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर के मैं करूँगी आपके सामने प्रेजेंट नाउ रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन इट वॉज़ द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग यह बसंत का मौसम था फ्रॉम द विटरी शेड्स ऑफ नहरोलिज एंड एलिस एमर्जा गैली क्लेड गेली है ये जी ए आई एल वाई गेली क्लाड ह्यूमैनिटी और सारा की सारी मानव जाति बड़ी खुशी से बहुत पतली पतली गलियों के अंदर जो कि सर्दियों की छाया पड़ रही थी क्योंकि बसंत ऋतु जो है वो आ, आने पर सर्दियों का अंत हो जाता है और पतली पतली गलियों के अंदर सर्दियों की हल्की हल्की छाया पड़ रही थी और पूरी मानव जाति बहुत खुश थी सम वॉकड कुछ चल रहे थे सम रोड ऑन हॉर्सेस कुछ घोड़ों पर जा रहे थे अदर सेट कैरिड इन बैम्बू और कुछ लोग बैठे हुए थे बांस के घेरों के अंदर बांस की एक छोटी सी सवारी होती है उस पर एंड कार्ड्स या फिर बैलगाड़ी पर बैठे थे वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स एक छोटा सा लड़का अपने पिता के पैरों के बीच से गुजर रहा था ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर और बड़ी ही हंसी खुशी से ज़िंदगी से भरा था मीनिंग कि बच्चा बहुत ही ज़्यादा डिलाइटेड था दैट ही वॉज वेरी हैप्पी Now, कम चाइल्ड come. कॉल्ड come, his पेरेंट्स आओ बेटा आओ उसके माता पिता ने बुलाया है एज ही lagged बिहाइंड बच्चा पीछे छूट जाता है बार बार फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप दैट लाइन द वे और वो आकर्षित हो जाता है उन खिलौनों से जो कि एक दुकान में लाइन से लगे हुए हैं बच्चा उन्हें देखने में बिजी हो जाता है और पेरेंट्स आगे चले जाते हैं फिर पेरेंट्स उसको बुलाते हैं नाव विस सीजन इज बींग डिस्क्राइब इन द स्टेंजा इस स्टेंजा में कौन सा सीजन डिस्क्राइब किया है विंटर समर स्प्रिंग या ऑटम इसमें स्प्रिंग को डिस्क्राइब किया है नाउ फील इन द ब्लैंक्स द चाइल्ड वॉज डैश बाय द टॉयज इन द शॉप और इसमें आएगा फैसिनेटेड या अट्रैक्टेड आकर्षित है बच्चा खिलौनों को दुकान में देख कर डिस्क्राइब चाइल्ड हैप्पीनेस और इस कॉम्प्रीहेंशन में आर टी सी में चार क्वेश्चन आते हैं जिनमें एक ही ये क्वेश्चन जो है जो कि क्वेश्चन आंसर फॉर्म में होता है ट्वेंटी या थर्टी वर्ड्स का थर्टी या फोर्टी वर्ड्स का कोई क्वेश्चन आता है जो कि टू मार्क्स का होता है बच्चे की खुशी को डिस्क्राइब कीजिए द चाइल्ड वॉज हैप्पी बच्चा बहुत खुश था ही रेन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स अपने पिता के पैरों के बीच से निकल रहा था ही वॉज फुल ऑफ लाइफ एंड लाफ्टर वह जिंदगी और हंसी से भरा हुआ था स्टेट ट्रू और फॉल्स बताइए कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स ऑल द पीपल वर गोइंग टू द फेयर सभी लोग कहाँ जा रहे थे मेले में येस इट इज ट्रू ऑल द पीपल दे वर गोइंग टू द विलेज फेयर नंबर टू ही हरेड टू वर्ड्स इज पेरेंट्स वह जल्दी से अपने पेरेंट्स के पास जैसे वह आवाज लगाते हैं अपने पेरेंट्स के पास दौड़ जाता है हिज फीट ओबीडियन टू देयर कॉल उसके पैर उनकी आवाज की आज्ञा का पालन करते हैं हिज आईज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिस टॉयज उसकी आंखें अभी भी मंडरा रही थी जलते हुए खिलौनों के ऊपर आज ही केम टू वेयर दे हार्ड स्टॉप टू वेट फॉर हिम और बच्चा जो है वो आ, जब खिलौने देखने में बिजी हो जाता है तो पेरेंट्स को रुकना पड़ता है उसका इंतजार करने के लिए ही कुड नॉट सप्राइज द डिज़ायर ऑफ इज हर्ट बच्चा जो है अपने मन की भावनाओं को दबा नहीं पाता इवन दो ही नो ये यहाँ पर ही वुड नो वह जानता है द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन दे आर आइस वह जानता है ठंडी बहुत पुरानी ठंडी रिफ्यूज़ल इनकार उसके पिता की आंखों में है कि वो उसे कोई भी खिलौना है कोई चीज़ नहीं दिलाएंगे आई वॉन्ट दैट टो आई ही प्लीडेड उसने रिक्वेस्ट करते हुए कहा मुझे ये खिलौना चाहिए हिज फादर लुक डैट हिम रेड आइड उसके पिता लाल आंखों से गुस्से से उसे देखते हैं इन हिज फैमिलियर टारेंट्स वे अपने ही परिचित अत्याचारी तरीके से बच्चे को घूर कर देखते हैं कि नहीं ये खिलौना तुम्हें नहीं चाहिए क्योंकि अब तुम खिलौनों से खेलने लायक नहीं रहे हो अब तुम बहुत बड़े हो गए हो वॉट डेड द बॉय वॉन्ट इन दिस पैसेज बच्चा इस पैसेज में क्या चाहता है द बॉय वॉन्टेड गार्लें टॉय स्वीट्स आ रड अबाउट ये सब कुछ बच्चा चाहता है स्टेट ट्रू और फॉल्स बताइए ये सच है सही है गलत द चाइल्ड फादर वॉज हैप्पी वेन द चाइल्ड डिमांडेड और जब बच्चा जो है मांग करता है किसी भी चीज़ की तो उसके पिता खुश होते हैं नहीं ये गलत है उसके पिता बिल्कुल खुश नहीं होते और वो गुस्से से भर जाते हैं वॉट डिड द चाइल्ड नो अबाउट हिज फादर बच्चा जो है अपने पिता के बारे में क्या जानता है अ चाइल्ड न्यू वट एवर ही वुड डिमांड हिज फादर वुड नॉट बाय फॉर हिम बच्चा जानता है कि जो कुछ भी वह मांग करेगा उसके पिता उसको दिलाए वह नहीं दिलाएंगे सप्लाई द करेक्ट वर्ड इसमें करेक्ट वर्ड को फिलअप कह दें चाहे करेक्ट वर्ड को सप्लाई करना द चाइल्ड वॉस डैश द चाइल्ड वॉज ओबीडिएट बच्चा आज्ञाकारी है नंबर थ्री अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज और अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स और एक समूह है ड्रैगन फ्लाइज का और वह जो है वो बहुत सारी एक इधर उधर उड़ती हैं अपनी चमकीले बैंगनी रंग के पंखों के साथ इंटरसेप्टिंग सी ई पी है यहाँ पे बेटा इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी और वो काली मक्खी जो कि अकेली उड़ रही है वो उनकी उड़ान के बीच में से आती है और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस और तितलियां जो है वो मिठास की तलाश में इधर उधर फिर रही हैं और मिठास चुराती भी हैं फ्रॉम द फ्लावर्स फूलों से द चाइल्ड फॉलोड दैम इन द ईयर इन द द चाइल्ड फॉलोड दैम इन द ईयर विद हिज गेज ये ईयर नहीं है द चाइल्ड फॉलोड दैम और बच्चा उनका पीछा करता है विद हिज गेज स्टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स स्विंग्स और बच्चा घूर कर देखता है कि कब एक तितली अपने परों को शांत करेगी एंड रेस्ट और आराम से बैठ जाएगी एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट और वह उसे पकड़ने की कोशिश करेगा बट इट वुड गो फ्लटरिंग लेकिन लगातार जो तितलियां हैं वे अपने पंखों को फड़फड़ा रही हैं फ्लापिंग अप इन द एयर और एयर के अंदर हवा के अंदर फड़फड़ा रही हैं वैन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इन इट इन हिज हैंड्स और जब एक तितली लगभग लग बच्चे के हाथ में आ ही जाती है तो वह अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए उड़ जाती है देन इज वदर अ कॉशनरी कॉल और उसकी माँ जो है सावधानी भरी एक आवाज़ लगाती है कम चाइल्ड कम कम ऑन टू द पाथ आओ आओ बेटा आओ फुटपाथ पर आ जाओ होम डिड द चाइल्ड वॉन्ट टू कैच बच्चा किसे पकड़ना चाहता है ड्रैगन फ्लाइज ब्लैक बी बटरफ्लाईज नन बच्चा बटरफ्लाइज़ को तितलियों को पकड़ना चाहता है वाई वॉज द बॉय नॉट एबल टू कैच द बटरफ्लाई बच्चा तितली को क्यों नहीं पकड़ पाता द बॉय वॉज नॉट एबल टू कैच द बटरफ्लाई बिकॉज इट वॉज नॉट सिटिंग स्टिल कि जो बटरफ्लाई है वह बिल्कुल भी शांत होकर के जो बटरफ्लाई है वह बिल्कुल भी शांत होकर के नहीं बैठ रही है और बच्चा जो है बिकॉज इट वॉज फ्लटरिंग एंड फ्लापिंग अप इन टू द एयर वह हवा में अपने पंख फड़फड़ा रही है उड़ रही है हवा के अंदर तो बच्चा उसे पकड़ नहीं पा रहा है स्टेट ट्रू और फॉल्स बताइए सही है गलत द चाइल्ड्स मदर कोल्ड द बॉय इन रेज जो बच्चे की माँ है वो बच्चे को बहुत गुस्से में बुलाती है दिस इज़ फॉल्स ये गलत है करेक्ट द आंसर उसकी जो मदर है वो उसको कॉशनरी सावधानी भरी कॉल देती है आ जाओ बेटा आ जाओ ऐसे करके बुलाती है करेक्ट द सेंटेंस इस सेंटेंस को करेक्ट कीजिए द बटरफ्लाई फ्लटर्ड एंड फ्लैप इसमें करेक्ट है द बटरफ्लाई फ्लटर्ड एंड फ्लैप्ड जब बीच में एंड लगता है तो दोनों वर्ब सेम टेंस की आती हैं ओके ना नंबर फोर अस्वीट में इट्स आलर हॉग्ड और मिठाई बेचने वाला हंकार लगाता है आवाज लगाता है गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फी जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस और मेले के बिल्कुल ही प्रवेश द्वार पर वह कोने पे खड़ा आवाज लगाता है एंड अ क्राउड प्रेस्ड राउंड इज कॉर काउंटर ऐट द फूड एट द एट द फूड ऑफ़ एन आर्किटेक्चर और जो भीड़ है वो एक दूसरे के ऊपर धक्का मुक्की करते हुए आती हैं और मिठाइयों के डिज़ाइन ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स बहुत रंगीन मिठाई मिठाइयाँ हैं उसके डिज़ाइन बड़े सुंदर हैं डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड जो कि चांदी और सोने के वर्क से सजी हुई हैं द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड लड़का घूर कर देखता है खुली आँखों से एंड इज़ माउथ वाटर फॉर द बर्फी और उसका मुंह में पानी भर आता है बर्फ़ी की वजह से दैट वॉज इज फेवरेट स्वीट यही उसकी पसंदीदा मिठाई है वेयर वॉज द चाइल्ड इन द पैसेज बच्चा इस पैसेज में कहाँ है ऑन स्वीट मीट सैलर स्टॉल नियर फ्लावर शॉप सेलर नियर राउंड अबाउट अंडर द ग्रूव बच्चा जो है वो मिठाई वाले के बेचने वाले के स्टॉल पर है ना फिल इन द ब्लैंक्स डैश इज़ द फेवरेट स्वीट ऑफ द चाइल्ड क्या कौन सी फेवरेट स्वीट है बच्चे की बर्फ़ी ना वाई द चाइल्ड डिमांड हिज फेवरेट स्वीट स्लोली बच्चे को जो पसंद है मिठाई उसकी फेवरेट स्वीट है बर्फी लेकिन उसको मांगने के लिए वह धीमे से कहता है क्यों बर्फी वॉज द फेवरेट स्वीट ऑफ द चाइल्ड बर्फी बच्चे की पसंदीदा मिठाई है बट ही डिमांडेड इट वेरी स्लोली बट लेकिन वो उसे बहुत ही धीमे इसकी डिमांड करता है बिकॉज़ ही न्यू इज़ फादर वुड डॉट बाई इट फॉर हिम क्योंकि वह जानता है कि उसके पिता उसे खरीद कर नहीं देंगे बल्कि उसे कहेंगे कि तुम बहुत लालची हो गए हो स्टेट ट्रू और फॉल्स बताइए सही है गलत द स्वीट्स वर बैडली डेकोरेटेड मिठाइयाँ बुरी तरह से सजी पड़ी थी ये गलत है जो मिठाइयाँ थी वो बहुत ही सुंदर तरीके से सजी हुई थी नंबर फाइव अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद एक आदमी खड़ा है पोल लेकर के उसमें पीले लाल हरे और बैंगनी रंग के गुब्बारे लगे हुए हैं फ्लाइंग फ्रॉम इट और उस पर लगे हैं वहीं से उड़ रहे हैं द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरेड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ दिया सिल्कन कलर्स बच्चा जो है वो उस इंद्रधनुषी रंगों के गुब्बारों की सिल्क जैसे रंग के गुब्बारों पर से आकर्षित हो जाता है एंड ही वो फील्ड विद एन ओवर हेलमिट डिजायर टू पॉजिज द ऑल बच्चा बहुत बुरी इच्छा से भर जाता है कि वो उन सबको लेना चाहता है बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम वह अच्छी तरह जानता है उसके माता पिता वह उसे खरीद कर नहीं देंगे द बलून्स विच दे वुड से और फिर बलून जब वे खरीदने के लिए कहेगा तो क्या कहेंगे ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच अ टॉयज कि वो ऐसे खिलौनों से खेलने के लिए बहुत बड़ा हो गया है सो ही वॉक डाउन फारद इसीलिए बच्चा जो है बिना कुछ लिए हुए आगे दौड़ जाता है वॉट वॉज द डीप डिजायर ऑफ द चाइल्ड बच्चे की गहरी इच्छा क्या है द चाइल्ड वॉन्टेड टू टेक द बलून बच्चा जो है वो गुब्बारे लेना चाहता है कम्प्लीट द सेंटेंस हिज पेरेंट्स वुड नॉट बाय बलून्स फॉर हिम बिकॉज पेरेंट्स उसके इस इन गुब्बारों को ख़रीद कर नहीं देंगे क्योंकि दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विध बलून्स क्योंकि वह कहेंगे कि वह गुब्बारों से खेलने के लिए बहुत बड़ा हो चुका है स्टेट टू और टू और फॉल्स सही है गलत बताइए इज फादर बॉड बलून्स फॉर द चाइल्ड उसके पिता बच्चे को गुब्बारे खरीद कर दे देते हैं क्या ये है सही है नो इट्स फॉल्स डिस्क्राइब बलून्स बलून्स को डिस्क्राइब कीजिए द डिफरेंट कलर्स ऑफ बलून्स वर टाइड इन द पोल एक पोल के ऊपर अलग अलग रंग के गुब्बारे बंधे हैं द ऑल वर लुकिंग जस्ट लाइक रेनबो और वह सभी के सभी रेनबो इंद्रधनुष जैसे लग रहे हैं नंबर सिक्स देर वॉज राउंड अबाउट इन फिल फुल स्विंग वहाँ पर एक राउंड अबाउट नाम का झूला था जो कि पूरी बहुत तेजी से चल रहा था मैन वीमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन अ वर्लिंग मोशन वर्लिंग मोशन का मीनिंग गोल गोल गोलाकार जिसे आप जॉइंट व्हील भी कहते हैं गोलाकार वह है, आदमी औरत और बच्चों को लेकर झूल रहा था श्राइड सभी लोग चिल्ला रहे, रहे थे क्राइड बिड डिजी लाफ्टर और सिर घुमा देने वाली तेज चिल्लाहट में चिल्ला रहे थे द चाइल्ड वॉज I आई intent, इंटेंटली uh, बच्चा बड़े इरादे से उन्हें देखता है एंड देन ही अ बोल्ड रिक्वेस्ट और फिर वह जोर दे करके अपनी इच्छा को अपने पेरेंट्स के सामने रखता है आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज फादर मदर कि माँ पिताजी मैं इस गोल गोल घूमने वाले जाइंट व्हील जैसे झूले पर झूलना चाहता हूँ देर वॉज़ नो रिप्लाई कोई अब uh, जवाब नहीं आया ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स बच्चा मुड़ता है अपने पेरेंट्स को देखने के लिए दे वर नॉट देयर हेड ऑफ हिम वे वहाँ नहीं थे उसके सामने नहीं थे ही ट्रं टू लुक ऑन इधर साइड बच्चा दोनों ओर देखता है दे वर नॉट देयर वे वहाँ नहीं थे ही लुक्स बिहाइंड वह पीछे देखता है देयर वॉज नो साइन ऑफ देम उनका कोई अता पता नहीं था वॉट इज राउंड अबाउट राउंड अबाउट क्या होता है राउंड अबाउट होता है काइंड ऑफ स्विंग एक तरह का झूला डिस्क्राइब द हैप्पीनेस ऑफ द पीपल सिटिंग ऑन द राउंड अबाउट जो राउंड अबाउट के पर बैठे हैं उन लोगों की खुशी के बारे में बताइए दे ऑल वर हैप्पी वे सभी खुश हैं दे वर carried अवे इन अ वर्लिंग मोशन उन्हें झूला गोल गोल घुमा रहा है भंवर की तरह घुमा रहा है दे क्राइड विद डिजी लाफ्टर और वह जी घबराने वाली हंसी के साथ चिल्ला रहे हैं और हंस रहे हैं द बॉय वॉन्टेड टू टेक द राइड ऑन राउंड अबाउट क्या लड़का राउंड अबाउट पर राइड लेना चाहता है सही है कि गलत है इट्स ट्रू कंप्लीट द सेंटेंस सेंटेंस को कंप्लीट कीजिए द बॉय डिड नॉट गेट एनी रिप्लाई बच्चे को कोई जवाब नहीं मिलता क्यों नहीं मिलता बिकॉज दिज पेरेंट्स वर नॉट देयर क्योंकि उसके पेरेंट्स वहाँ पर नहीं थे नंबर सेवन अ फुल डीप क्राई रोज विद इन द ड्राई थ्रोट उसके सूखे गले से एक बहुत ही तीखी आवाज रोने की उठती है एंड विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी अपने शरीर को झटका देकर ही रन फ्रॉम वेयर स्टूड क्राइंग इन रियल फियर और जहाँ वे खड़ा था वहाँ से दौड़ पड़ता है सच्चे डर के अंदर मदर फादर टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज़ माँ पिताजी उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं हॉट एंड फियरस बहुत ही गर्म और डरावने आंसू हिज फ्लश फेस वॉस कन्वर्स्ड विद फियर उसका लाल चेहरा डर से भर जाता है पैनिक स्ट्रकन ही रैन टू वन साइड और डर से भयभीत होकर पहले वे एक और दौड़ता है देन टू द अदर साइड अदर और फिर दूसरी ओर हिथर एंड टिथर इन ओल्ड डायरेक्शंस और इधर उधर सभी दिशाओं में नोइंग नॉट वेयर टू गो नहीं जानता कि वह कहाँ जाए मदर फादर ही वेल्ड वह शोक से रो रो करके शोक से कहता है अपने माता पिता को बुलाता है हिज येलो टर्बन एंड हिज क्लोथ्स बिखे मडी उसकी पीले रंग की पगड़ी और उसके कपड़े मिट्टी से भर गए थे वाई डिड द बॉय क्राई अ लॉट लड़का क्यों तेज तेज रोता है ही वॉन्टेड टू टेक अ राइड ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स ही फेल्ट इनसेक्योर तो इसमें दूसरा और तीसरा सही है क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स को भी खो दिया और वह असुरक्षित महसूस करता है कम्प्लीट द सेंटेंस सेंटेंस को कम्प्लीट कीजिए द बॉय रेन इन ऑल डायरेक्शंस बच्चा जो है सभी दिशाओं में दौड़ता है बिकॉज ही डिड नॉट नो क्योंकि वह नहीं जानता वेयर टू गो कि वह कहाँ जाए टिक द करेक्ट वर्ड करेक्ट वर्ड को टिक करना है द बॉय वॉज फुल ऑफ़ टीयर्स लड़का आंसुओं से भरा है या खुशी से भरा है द यहाँ इसका करेक्ट आंसर है फुल ऑफ टीयर्स बेटा यहाँ पे गलती से ये जो है वो uh, लग गया है ये यहाँ पर फुल ऑफ टीयर्स आएगा बेटा करेक्ट आंसर फुल ऑफ टीयर्स हैप्पीनेस नहीं है ओके okay? स्टेट ट्रू और फॉल्स बताइए आप ये सही है कि गलत है द चाइल्ड क्लोथ बिकेम डर्टी एंड मडी बच्चे के कपड़े गंदे और मिट्टी से भर जाते हैं तो ये बिल्कुल सही है करेक्ट है ये नंबर एट द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट बच्चा जो है वो संघर्ष करता है लोगों के पैरों के बीच से निकलता है बट नॉट टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स और बड़ी ही दुष्ट गति के साथ में लोग बच्चे को इधर उधर अपने पैरों से फेंक देते हैं ही माइट हैव है ट्रम्पल्ड अंडर फूड बच्चा शायद पैरों के नीचे कुचल भी जाए हैड ही नॉट स्ट्राइक एट द दाइस्ट पिच ऑफ इज वॉइस और वह कुचल कुचला नहीं क्योंकि वह तेज आवाज में चिल्ला चिल्ला के कह रहा है माँ पिताजी अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड और लहर की तरह उठती भीड़ में एक आदमी जो है सुनता है उस बच्चे के की रोने की आवाज़ एंड स्टूपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी लिफ्टिंग हिम अप इन निज़ाम्स बड़ी ही परेशानी से कठिनाई से झुक है और बच्चे को अपने हाथ में उठा लेता है वेयर वॉज द चाइल्ड बच्चा कहां था नियर राउंड अबाउट इन श्राइन नियर फ्लावर बास्केट और नियर स्वीट शॉप बच्चा इस समय श्राइन मंदिर के अंदर है धार्मिक स्थान पे है डिस्क्राइब चाइल्ड स्ट्रगल इन द श्राइन बच्चा मंदिर के अंदर रिलीजियस जगह के ऊपर कैसे संघर्ष करता है द चाइल्ड मेड द वे बिटवीन पीपल्स लैग्स बच्चा संघर्ष करता है लोगों के पैरों के बीच से रास्ता बनाता है ही बोर्ड द पुलिंग एंड पुशिंग और वह सहन करता है लोगों की धक्का मुक्की फिर इन द ब्लैंड डैश पिकडअप द चाइल्ड इन निज़ाम्स और कौन उठा लेता है बच्चे को अपनी बाजुओं में अपने हाथों में अम्बैन अस्ट्रेंजर अ सेवियर कुछ भी लिख सकते हैं आप स्टेट ट्रू और फॉल्स बताइए सही है गलत है द चाइल्ड केम इन द श्राइन टू सर्च हिज पेरेंट्स बच्चा मंदिर की ओर आता है अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए इट इज ट्रू नंबर नाइन द चाइल्ड टर्न his नोज अवे फ्रॉम द बास्केट बच्चा अपनी नाक फेर लेता है उस बास्केट के पास से टोकरी के पास से रिट्रेटेड हि और अपनी सुब, अपने जो वह सुबह रहा है दोबारा शुरू कर देता है आई वॉन्ट माई मदर आई वॉन्ट माई फादर मुझे अपनी माँ चाहिए मुझे अपने पिताजी चाहिए थिंकिंग टू ह्यूमर हिज हेज़ डिसकॉन्सलेट चार्ज और जब आदमी समझता है कि मैं इस बच्चे को धैर्य कैसे बंधा सकता हूँ बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स और वो सोच लेता है कि इसे मिठाई के उपहार से चुप कराया जा सकता है द मैंटो हिम टू द कॉर्न काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप बच्चा बच्चे को वह आदमी मिठाई के काउंटर पर ले जाता है वट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड ही आस उसने पूछा बच्चे तुम कौन सी मिठाई लोगे द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप बच्चा अपना मुँह मिठाई की दुकान से फेर लेता है लोनि शॉप से और सुबकता है आई वॉन्ट माई मदर आई वॉन्ट माई फादर मुझे चाहिए अपनी माँ मुझे चाहिए अपने पिताजी वेयर डिट द मैन टेक द चाइल्ड टू कंसोल आदमी बच्चे को धैर्य बंधाने कहाँ ले जाता है टू द फ्लावर शॉप टू द स्वीट शॉप बोथ एंड बी एन नन वह उसे ले जाता है फूलों की दुकान पर भी और मिठाइयों की दुकान पर भी वॉट डिड द चाइल्ड वॉन्ट बच्चा क्या चाहता है द चाइल्ड ओनली वॉन्टेड हिज पेरेंट्स बच्चा सिर्फ अपने माता पिता को चाहता है स्टेट ट्रू और फॉल्स बताइए सही है गलत द बॉय टू द स्वीट्स एंड बिकेम हैप्पी बच्चा जो है मिठाई ले लेता और बड़ा खुश हो जाता है नहीं ये गलत है बच्चा कुछ भी नहीं लेता कंप्लीट द सेंटेंस द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम बच्चा अपनी नाक कहाँ से फेर लेता है द फ्लावर बास्केट फूलों की टोकरी से वो फूल जो कि उसको पहले चाहिए थे अब उसको नहीं चाहिए येस नाव थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आई विल बी वेरी मच थैंकफुल फॉर यू और नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट वाले चैप्टर के एक्स्ट्रा शॉर्ट हम डिस्कस करेंगे देन एक्स्ट्रा लॉन्ग उसके बाद फिर ये कॉम्प्रीहेंशन स्टाइल एग्जामिनेशन स्टाइल के कॉम्प्रीहेंशन हम डिस्कस करेंगे डेफिनेटली आपके एग्जाम में इनमें से एक ना एक जरूर आएगा तो इसी लिए आप इनको पढ़ें और चैप्टर के कॉम्प्रीहेंशन भी सॉल्व हो जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय